मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं उस समाज से आती हूँ। वो गांव के रहने वाले लोग थे जो एक ताकत रखने वाले लोग थे, और राम जी ने उस समय समाज में समरसता कायम की थी। सबसे पहले यदि किसी के यहाँ गए थे, निषाद राज के यहाँ गए थे, उसको गले लगाया था। मैं समझती हूँ कि राम जी ने जो समाज में एक सामाजिक समरसता कायम किया था, आज़ादी के बाद से हमारे प्रदेश में और केंद्र में जो सरकारें रहीं, समाज को जातियों में बांट करके वोट बैंक तो लिया है, लेकिन उनका कोई विकास नहीं किया। अयोध्या में राम मंदिर सहमति से बने या फिर सरकार अध्यादेश लाए? देखिए, राम मंदिर बनेगा वह सहमति से बनेगा या अध्यादेश से बनेगा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि न्यायालय बैठ नहीं पाता। उसके पहले कपिल सिब्बल कहते हैं कि 2019 के बाद आना चाहिए। क्या ये न्यायालय के ऊपर भी दबाव बना करके 2019 के लिए दबाव डालना चाहते थे क्या? और आपने देखा भी, बड़ा आश्चर्य होता है कि छोटे छोटे इशू को लेकर के कोर्ट रात्रि में बैठ करके फैसला कर देता है, और जिसके ऊपर पूरे विश्व की निगाहें लगी हैं, भारत की निगाहें लगी हैं, कोर्ट उसको 5 मिनट में बैठ करके कह देता है कि ये कोई बहुत महत्व का नहीं है। चुनाव के पहले कुछ महीने पहले ऐसी गतिविधियों पे सवाल उठ नहीं है? गतिविधियाँ हमारी तो राम के लिए, आज नहीं, जब से हम लोग हैं तब से हम राम के मंदिर के लिए बात कर रहे हैं। न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, हमें उम्मीद थी कि न्यायालय इसको जल्दी समाधान इसका करेगा, लेकिन न्यायालय का पता नहीं क्या सोच थी कि उन्होंने 5 मिनट में उसको टाल दिया। निरंजना जी का व्यक्तिगत क्या राय क्या है? मेरी व्यक्तिगत राय है कि वहाँ भव्य मंदिर बनेगा, क्योंकि वो मंदिर नहीं है, वहाँ रामलला पैदा हुए हैं। जन्म स्थली नहीं बदली जा सकती, मंदिर बदला जा सकता है। वहाँ रामलला बैठे हैं, पैदा हुए हैं, वहाँ भव्य मंदिर बनेगा, न्यायालय के रास्ते या कानून के संविधान पालिका न्यायपालिका के माध्यम से कैसे।